मैं डॉक्टर ज्वाला प्रसाद गुप्ता, मैं 50 साल से प्रैक्टिस करता हूँ तिलोथू चंद्रपुरा रोहतास, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। दर्द हुआ, पुराना बात हुआ, कमर दर्द हुआ, ये सब दर्द में ये सब बीमारी एकदम होम्योपैथिक में सस्ता और सुलभ दवा है। जैसे बच्चा का निमोनिया हो गया उसमें एंटीमटाट, इपिकाक और आर्सेनिक दवा चलता है, और दमा बीमारी में बलाटा क्यू, बलाटा और रियंट क्यू से भी दमा ठीक हो जाता है, और ज़्यादा हाँ फूफ होने पर आर्सेनिक एल्बम मेड इन जर्मन का 30 पावर को दवा देने से वो हाँ कम हो जाता है। आप देख रहे हैं आरबीएम न्यूज चैनल, पेश करते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। होम्योपैथिक में ये जो कोरोना चला हुआ है ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, होम्योपैथिक में कारगर एलोपैथिक से ज़्यादा साबित हुआ है। जैसे आर्सेनिक एल्बम, चाइना और जेल्सियम, ये तीनों दवा देने के बाद कोरोना का संभावना नहीं रहता है। बच्चे के दवा में निमोनिया के साथ साइड इफेक्ट होता है, उसके लंग्स में भी इफेक्ट होता है, उसके लिए आर्सेनिक, आयोडियम और एंटीमटाट दवा जो है वो कारगर साबित हुआ है, और मैंने हजारों बीमारियों को ठीक किया हूँ। जैसे आजकल ब्लड प्रेशर है, शुगर है, थायराइड है, इस सब पर कितना काम करो? हाँ, ब्लड प्रेशर का रोगी जो है हमारे पास आते हैं वो ग्लोनाइन 30 और बेलोडोना 30 देने से ठीक हो जाता है, और थायराइड से भी उसमें भी है बहुत दवा है, आर्निका है, कफ कम है, रस्टॉक्स है, ये सब दवा देने से हम ठीक किए हैं। लेकिन उसमें परहेज होना चाहिए बहुत ज़रूरी है। और बीपी की दवा, ब्लड प्रेशर का जो दवा है वो सुबह में माने दही खाने से भी वो ठीक हो जाता है। नहीं, कई लोगों का लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, उसके लिए क्या दवा? हाँ, उसके लिए कारगर साबित है, हल्का नमक थोड़ा सा लो ब्लड प्रेशर में खाने से होता है, और उसके लिए दवा चाइना है, जेल्शियम है, चाइना और जेल्शियम दे के दवा ऐसा चीज़ है कि ब्लड लो प्रेशर में ठीक हो जाता है देने से। अच्छा, लेडीज प्रॉब्लम में? हाँ, लेडीज प्रॉब्लम को आज के लेडीज के बीमारी में जैसे कि लिकोरिया हो गया, मेंस ट्रबल्स हो गया, तो लिकोरिया जो है उन लोगों को साफ सफाई रखना पड़ता है, अगर नहीं रखेगी तो लिकोरिया तो हो ही जाएगा, तो उसके लिए प्लास्टिला है, सीपिया है, सीमी अथी प्लास्टिला है, ये दवा देने से बहुत बढ़िया कारगर साबित हुआ है। लोग बोलते हैं कि भाई एलोपैथिक दवा की ओर ज्यादा भागते हैं, तुरंत ठीक हो जाते हैं, इंजेक्शन दिला के आ जाते हैं। हाँ, तो आपके यहाँ भी इंजेक्शन का कुछ प्रथा है क्या? नहीं, इंजेक्शन का व्यवस्था नहीं है, वही हम लिक्विड में उसी का इंजेक्शन हम दे देते हैं। जैसे सीपीआई हुआ, मान लीजिए कि मैं यूरिन में बहुत डिस्टर्ब है, फोड़ा फुंसी हो गया, तो उसके लिए भी हम लोग दवा चला कर ठीक कर देते हैं, तो तुरंत ठीक हो जाता? हाँ, एकदम 15-20 दिन का हम लोग ठीक करते हैं। ऐसे एलोपैथिक में जो दवा है सुई देने के बाद में, टेबलेट देने के बाद तुरंत सूख जाता है, लेकिन 15 दिन के बाद में वो फिर शुरू हो जाते हैं, उसके लिए कारगर है कि होम्योपैथिक से जुड़े लोग। अच्छा, तो यहाँ कैसा रिस्पॉन्स है गांव में आपका होम्योपैथिक? बहुत अच्छा है, हम लोग को होम्योपैथिक में अभी जो बाजार में है हम लोग 40 क्लिनिक है। अच्छा। और हम, मैं 50 साल से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो लोगों का विश्वास है होम्योपैथिक? बहुत ज्यादा विश्वास है, कुछ पैसा भी कम लगता है। अच्छा। और रोग भी ठीक हो जाता है, तो क्यों नहीं विश्वास होगा? जी, तो कितना मिनिमम कितना से कितना तक इलाज हो जाता है? हाँ, मान लीजिए कि लिकोरिया के महिलाओं को हम 1-2 महीना में क्लियर कर देते हैं कि ठीक हो गया, लेकिन उसके लिए कम से कम 3 महीना या 4 महीना दवा कराने के बाद में जड़ से ठीक हो जाता है। का क्या आपके पास मतलब? हाँ, बवासीर जो ऐसा एक बीमारी है कि हर पेशेंट, हर रोगी, हर और मनुष्य में और महिलाएं में, बच्चों में बवासीर होता है, तो उसके लिए कारीगर है कि वो जो भी लेटिन जाए तो साफ सफाई करें, और ज़्यादा हो तो मट्टी से सफाई कर वो करें, और हमारे यहाँ स्कॉलरशिप है, और चाइना भी कमजोरी के लिए है, अगर ब्लड आता हो तो हेमामालिस दवा है, कलकरिया फ्लोर भी होता है, साइलेशिया भी दवा है, लेकिन स्कूलस ही खून के लिए, बादी के लिए साइलेशिया और
और हेमा मालिश है। अच्छा, कई लेडीज प्रॉब्लम में देखा था, मेंस जिसका हो गया, कई लोगों का मेंस नहीं रुकता या ब्लडिंग बहुत हो रहा मेंस में 10 दिन 15, उसका क्या आपके अंदर? हाँ, हमारे यहाँ उसके लिए रोग को लक्षण जानने पर मिलीफिलियम क्यू है, हेमा मालिश है, माने ब्लडिंग, हाँ ब्लडिंग एकदम मिलियम फिल्म कूल की हुआ है, उससे 10-10 बूंद 3 बार देने के बाद में 24 घंटा में ब्लीडिंग तो रुक जाएगा। इसके बाद में साबित करने के लिए कुछ लंबा दवाई चलाना पड़ेगा, तबे वो ठीक हो जाएगा। हाँ देखिए, लीवर एक ऐसा चीज है, लीवर एक ऐसा फंक्शन है, आजकल के लोग ज़्यादा बच्चों के लिए मैंने कुरकुरा खिलाते हैं, वो नहीं खिलाना चाहिए, बिस्कुट खिलाते हैं, बहुत बाजार में समस्या आ गया है और उन लोगों को नहीं खिलाना चाहिए। तो लीवर के हमारे यहाँ है कि लीवर टाउन है, कालमेग है और अर्सेनिक और चाइना चिलेडियम क्यू चिलेडियम 30 है, उससे भी मैंने ठीक हो जाएगा दवा लगुला चलाने के बाद में, या बच्चे हों या सियाना हो या पुरुष या महिला हों, ये सबको लिए ठीक कर देता है लंबा। इसमें तेल मसाला का थोड़ा परहेज करना पड़ेगा, खट्टा तीता का परहेज करना पड़ेगा, और ये 3 महीना के अंदर जिसका लीवर प्रॉब्लम है वो तो बीमारी बहुत जल्द हम ठीक करें। जैसे जॉन्डिस हुआ तो जॉन्डिस में नाइट्रम सल्फ है, बैरोनिया है, बेलोडोना है, चिलेडियम है और कालमेक सिरप देने से बहुत जल्द जॉन्डिस हम बच्चों को या सियान आदमी को ठीक कर देते हैं। एक कोई एक दो मरीज है, एक अंग्रेजी में जाए और हमारे पास आवे और पहले मैं उसको ठीक कर दूंगा, ये मेरा दावा है। हाँ देखिए, आजकल हर एक बीमारी बच्चे मर्द औरतें गोष्ठी के 95% रोगी होते हैं। क्या कारण है? ये कारण यही कारण है कि लोग समय पर खान पियान का परहेज नहीं करते हैं और ज़्यादा तेल मसाला का यूज़ करते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सुबह में तांबे के लोटे में 1 लोटा पानी पीकर और 10 मिनट टहल कर लेटिन जाए तो उनको गोष्ठी का प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे होम्योपैथिक में फर्स्ट में खाली पेट सल्फर उसको 2 बूंद दीजिए और सांझ को रात में सोते नक्श भूमिका, और कोई दवा देने की जरूरत नहीं है। वो खान पियान परहेज करें, वो गैस्ट्रिक आपसे आप ठीक हो जाएगा। मेरा नाम वशिष्ठ मुनि पांडे है, जैसे बवासीर हमको हो गया था तो इनके दवा से बड़ी जल्दी आराम हो गया। मैं मोहन प्रसाद ब्याहूत, चंदनपुरा घर है, हम इनके पास दवा लेते हैं, हाँ रोग ठीक हो जाता है। मैं मनोज कुमार सिंह, घर बंजारी पड़ेगा, डॉक्टर ज्वाला प्रसाद बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, जो बोसिर के लिए बहुत बेस्ट हैं और बुखार जल्दी सर्दी जुखाम और पथिक पर विश्वास है। हाँ, फुल विश्वास है, ठीक होता है। हाँ ठीक होता है। मेरा नाम मोहम्मद एहसान जी, डॉक्टर ज्वाला प्रसाद गुप्ता बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और बहुत अच्छा इलाज होता है इनका, कोई चीज़ में दवा देते हैं बहुत बढ़िया फायदेमंद होता है। चलिए, मोहम्मद सदीक हुसैन, सुविधा तो दो ही जो कि डॉक्टर थे, ये डॉक्टर बटो ही एगो थे, उसके बाद इनका जो वाला डॉक्टर प्रसाद जो कि निवासी उनका है चंदनपुरा की हैं, अब जो कि यहाँ अभी पहले रोड पर थे तो जो कि हमारे बाजार में अंदर गोला में चले आए हैं। नमस्कार, मैं हूँ स्मिता RBM न्यूज़ से। अगर आपको यह चैनल पसंद आता है तो RBM न्यूज़ को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। RBM न्यूज़ हमेशा सच के साथ।